तो गाइस ये रहा हमारा हिडन वाटरफॉल। पर यहाँ पे पहुँचने के बाद ना मेरा कैमरा चल नहीं रहा, उसमें एसडी कार्ड एरर दिखा रहा है, तो इस वजह से फिर मैं अभी अपने फ़ोन में वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे आने चाहोगे तो ये काफ़ी डेंजरस और एडवेंचरिंग पुल है, क्योंकि यहाँ की हाइट बहुत ज़्यादा है और फोटोज़ बहुत अच्छी आती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू भाड़ी स्कोर। तो गाइस हमारी वीडियो आना जैसे मतलब ये सीजनल काम हो गया, हमारी वीडियो आती है उसके फिर 5-6 महीने तक फिर कुछ वीडियो नहीं। तो इस बार कोशिश करूँगा ज़्यादा वीडियो डालने की और हर महीने वीडियो डालने की। तो आज हम जा रहे हैं, एक हिडन वाटरफॉल है चंबा में, सेरी नामक एक गांव है उधर, उसके थोड़ा सा आगे चल के कहीं पे रास्ता में पता नहीं है, बट मैं और मेरा दोस्त है रविंदर, हम दोनों जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे बस दोनों बंदे। तो देखते हैं कैसी जगह है। वीडियो जो उसकी देखी है उसमें तो काफ़ी अच्छी लग रही है, तो आपको भी दिखाएंगे। तो अभी मैं फिर घर से निकला हूँ, और मेरे घर से नीचे का रास्ता ऐसा है कुछ। तो गाइज़ यही वो शख्सियत है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। तो गाइज़ ये हम दोनों जा रहे हैं अभी घूमने के लिए। तो गाइज़ जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया कि हम यहाँ हैं कांडी पुल पे, और हमने छोटे मोटे कांड कर दिए हैं, फ़ोटो ली अच्छी अच्छी, और उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। रास्ता पूछा, हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं, तो हम यहाँ से जाएंगे पीछे उस तरफ, वो जो पेट्रोल पंप है वहाँ से आगे को जाएंगे, ऊपर रास्ता है तो डंडी तेलका वाले रोड पे जाएंगे। तो हमने यहाँ पे फ़ोटो ली है, आप अगर आप यहाँ पे आना चाहोगे तो ये काफ़ी डेंजरस और एडवेंचरिंग पुल है, क्योंकि यहाँ की हाइट बहुत ज़्यादा है और फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती है। तो आओ, तो छलांग लगाने के मन से मत आना, फ़ोटो वोटो लेने के मन से आ सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तो फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों वहाँ पे हमें कुछ लोग दिख रहे हैं, हमें जगह तो लग गई पता कि यही है शायद, क्योंकि ऊपर मंदिर भी है, ये भी बताया था हमें वीडियो में एक, तो जगह तो यही लग रही है, लेकिन हमें काफ़ी दूर लग रहा है ये, हमें काफ़ी उतरना पड़ रहा है, फिर वापसी टाइम में काफ़ी चढ़ना पड़ेगा। तो हमने अब ये प्लान किया है कि अब हम वापस जाएंगे ऊपर, और ऊपर से फिर बाय रोड थोड़ा पीछे जाएंगे, पीछे से शायद होगा शॉर्टकट। अब हमें यहाँ ये शॉप पे भाई हमने पूछा, तो हमें काफ़ी पीछे से हटना पड़ा वापस, तो अभी भाई से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ ये है रास्ता, तो ये वाला रास्ता लग रहा है अभी हमें, तो चलते हैं देखते हैं ऊपर कब पहुँचते हैं। ये है यहाँ पे एक दुकान है, और यहाँ से नीचे को रास्ता, फिर आप यहाँ से आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम जहाँ से गए थे ना वो तो बहुत गलत रास्ता था यार, हम गलत रास्ते पर चल गए थे, पर समय रहते हमने अपने कदम मोड़ लिए और हम सही रास्ते की तरफ आ गए। सो लेट्स सी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम बस पहुंचने ही वाले हैं, बस इससे आगे अब हमारा जो हिडन वाटरफॉल है वो हमें दिख जाएगा, और ये देखिए, अरे भाई साहब हिडन वाटरफॉल, हाँ नजदीक जाते हुए ये सही में हिडन है, मतलब इसीलिए इसको हिडन बोल रहे हैं ताकि दिखता नहीं है, जब तक आप यहाँ पे पहुँचोगे नहीं ना एग्जैक्टली तब तक दिखेगा नहीं आपको ये। अब हमें अपने जूते गीले करते हुए जाना पड़ेगा, नहीं जूते उतार सकते हैं, हाँ है ना, उतार भी सकते हैं। यस दोस्तों आपको अब यहाँ से आगे जो है अपनी मंजिल जूते नंगे पाँव चल के एक पार करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जूते हमारे गीले हो सकते हैं, इसलिए जूतों का बचाव जरूरी है। चल पानी लेते हैं, पानी दोस्तों इतना ठंडा नहीं है लेकिन ठीक है मुझे। अरे मां चिकनी भाई साहब स्लिप आवाज दवाई गले गले तक पानी आ रहा है करना, इसलिए मैं आ गया गाइस अदरवाइज
तो दोस्तों अब हम पहुंच रहे हैं हिडन वाटरफॉल। कुछ लोग यहाँ पे नहा के आ गए हैं और कुछ लोग नहा रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से नहीं यार, आ जा जा यहाँ से है। तो यार हम लोग पहाड़ी लोग हैं यार, तब जाएंगे, कोई चक्कर नहीं। स्लिपरी है, यहाँ से आ जा। चल किधर, आगे चल, अब मैं बनाता हूँ तेरा। तो दोस्तों बहुत ही ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव है। जूते यहीं पे रख देंगे। ये वाटरफॉल जो कि बहुत ही खूबसूरत है, सही में यार, मतलब एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा यार। अभी हम थोड़ी देर इंजॉय करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। बस चली चली यहाँ पे ना सिर्फ हम, बहुत सारे लोग के लिए आते हैं काफ़ी। तो भाई ये है अपना हिडन वाटरफॉल, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत आनंदमय है। मेरा कैमरा यहाँ आके ख़राब हो गया, पर भाई बहुत इंजॉय हो रहा, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ काफ़ी देर खाना खाने के बाद हमें याद आया कि हमें वीडियो भी बना लेनी चाहिए थी खाने की। तो घर से लाया था मैं, मैगी लाया था, ये फ्रास भी लाया था, रोटियाँ लाए थे, वो साथ में अचार है, और हमने इधर चाय बनवाई है। चेस अपना इधर इधर एक भाई ने दुकान बना रखी, छोटी सी टेम्परेरी दुकान है, वो चाय देता है, मैगी वगैरह, अचार वगैरह। तो अगर आप आना चाहते हो तो आप निश्चिंत होकर आइए, यहाँ पे आपको लंच मिल जाएगा, खाने पीने का मिल जाएगा। इसमें चने बना रखे हैं, बहुत टेस्टी है, जो कि हमने खाए नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी गाइस। तो आप आ सकते हैं, खा सकते हैं, खाए हैं नहीं हमने, लेकिन टेस्टी है। ये बातें बताई नहीं जाती टेस्टी क्यों है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो गाइस, काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है गाइस, आप पीछे देख सकते हो, काफ़ी इन्जॉय रहा, काफ़ी नहाने के लिए बहुत सही। आप आओगे अगर आपका दिन बन जाएगा, बस इतना पहुँचा चाहूँगा मैं। और रास्ता आपको शेरी विलेज से जस्ट 15 मिनट लगेंगे आपको वहाँ पहुँचने के लिए। और यहाँ पर आजकल दुकान भी बन चुकी है, जो कि आपको
चाय मैगी कुछ स्नैक्स वो सब प्रोवाइड कर देगा, दोपहर का लंच भी प्रोवाइड कर सकता है, तो आप निश्चिंत होकर आ सकते हैं।